हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ में जो त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस में आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में पढ़ना होता है, तो इस वीडियो में हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उन्नयन कोण को जानते हैं, उन्नयन कोण के डिफिनेशन को इसके फिगर से समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे उन्नयन कोण और अवनमन कोण में कन्फ्यूजन होता है, तो चलिए उन्नयन कोण के बारे में यहाँ पे समझते हैं। हमने पहले से इसका डिफिनेशन लिख के रखा है जिससे कि आपका जो है कम समय लगे। पहले इसके डिफिनेशन को समझिए, उसके बाद फिगर से समझेंगे हम। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहते हैं, जब वस्तु देखने वाले के ऊपर हो। देखिए, जब कोई देखने वाला वहां पे दर्शक हो और वस्तु जो है उसके ऊपर हो, यानी कोई उसके ऊपर वस्तु जा रही हो, जैसे आप यहाँ पे फिगर से समझिए, बहुत ही आसानी होगी आपको समझने में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दर्शक है, देखने वाला है, ठीक, और इसके ऊपर एक वस्तु है, यानी आदमी यहाँ पे और इसके ऊपर एक वस्तु, यहाँ पे एरोप्लेन है, हवाई जहाज यहाँ पे है। उसके आगे पहले डिफिनेशन को देखिए। अब देखने वाले के ऊपर हो और देखने वाला आंखों को पलकों को ऊपर उठाकर देखता हो, ठीक ना। तो वस्तु यहाँ पे है, अगर नीचे देखने वाला है तो ऊपर वाले वस्तु को कैसे देखेगा, यानी ऊपर उठा करके देखेगा कि नहीं, अपने आंखों के पलकों को ऊपर उठा करके देखेगा, बिल्कुल देखेगा। तो यहाँ पलकों को उठा करके देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच बने कोण को उन्तास कोण या उन्नयन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे फिगर से समझिए, यहाँ पे देखिए ये दर्शक है, ठीक, यहाँ पे हवाई जहाज एरोप्लेन है, तो इसको देखने के लिए इसको ऊपर उठा करके देखना पड़ेगा। तो इसके बीच यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे ये यह हमारा हो गया दृष्टि रेखा, जिस रेखा से यहाँ पे देखा जा रहा है वस्तु को, और ये हमारा हो गया क्षैतिज तल। और यहां पे देखिए, यहां से यहां देखने में एक कोण बन रहा है कि नहीं, तो यही यहां से जो कोण बन रहा है थीटा कोण, ये हमारा हो गया उन्नयन कोण इसको हम बोलेंगे, ठीक। तो यही हमें उन्नयन कोण, तो यहां से एरोप्लेन से लेकर के यहां तक का जो इसके आंखों से क्षैतिज तल है ये, और यहां से जो वस्तु को देखा जा रहा है और इसके बीच एक कोण बन रहा है, क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बन रहा है, जो वस्तु को देखने में काम आ रहा है वही हमारा थीटा होता है, वही हमारा उन्नयन कोण होता है। आप 60 डिग्री पे देख रहे हैं या फिर 90 डिग्री पे देख रहे हैं, तो यही हमारा थीटा होता है। तो यही को इसी को बोलते हैं हम उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर सिंपल भाषा में आप समझेंगे, सिंपल भाषा में समझिए, देखने वाला वस्तु को हमेशा ऊपर उठा करके देखेगा, अपने सर को ऊपर उठा करके देखेगा, आंखों को ऊपर उठा करके देखेगा, तो वही हमारा उन्नयन कोण होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये उन्नयन कोण अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अवनमन कोण के बारे में। देखिए, अवनमन कोण को यहां पे अच्छे तरीके से समझिए। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब वस्तु देखने वाले से नीचे स्थान पर हो, जब वस्तु जो है, जो व्यक्ति देखने वाला हो उसके नीचे स्थान पर कोई वस्तु हो और देखने वाला आंखों के पलकों को नीचे झुका करके देखता हो, यानी कोई व्यक्ति होगा उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति कोई ऊपर होगा और उसके नीचे कोई वस्तु होगा, तो उसको देखने के लिए आंखों को नीचे झुका करके देखना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल देखना पड़ेगा, ठीक। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अब इस फिगर से आप समझिए, यहाँ पे देखिए, हमने एक बनाया है घर, समझ लीजिए घर है, कोई छत है, और इस छत पे जो है एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक, छत पे व्यक्ति खड़ा है, और नीचे यहाँ पे जो है एक कार जा रही है, तो नीचे देखने के लिए, नीचे की वस्तु को देखने के लिए इस व्यक्ति को अपने आंखों को नीचे करना होगा, नीचे झुकाना होगा, बिल्कुल झुकाना होगा। तो इसके आंख के सामने जो यहाँ पे बन रहा है, ये हमारा क्षैतिज हो गया, क्षैतिज तल हो गया इसके आंखों के सामने, ठीक, और इसके आंखों के सामने क्षैतिज तल हो गया, आंख से जो यहाँ पे देखा जा रहा है इस वस्तु को क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा, यही ना है, दृष्टि रेखा यानी जो जिस रेखा से वस्तु को देखा जा रहा है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बन रहा है, यानी थीटा बन रहा है, तो यही हो गया हमारा अवनमन कोण, ठीक। तो यही हमारा अवनमन कोण हो गया, और यहाँ पे है दर्शक है जो किसी वस्तु को वो देख रहा है। तो सिंपल भाषा में अवनमन कोण को भी समझिए कि जब वस्तु देखने वाले से नीचे स्थान पे हो, और उन्नयन कोण में क्या था, जब वस्तु जो देखने वाले के ऊपर हो, ठीक ना, जैसे कि कोई एरोप्लेन उड़ेगा तो उसको ऊपर देखना पड़ेगा, और अवनमन कोण में क्या है, वस्तु दर्शक हो कोई, मतलब ऊंची जगह पे होगा और वस्तु जो है नीचे होगा, उसको देखने के लिए नीचे झुका करके देखना होगा उसकी पलकों को, तो वही हमारा अवनमन कोण होता है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन होता है, ठीक।
तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण कहाँ पे बनता है, अवनमन कोण कहाँ पे बनता है। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।